हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हो? अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लो, और यूट्यूब पे भी नहीं किया तो उस पे भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली है तो आप लोग मिस ना कर दो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक्वा कलर्स के लेंसेज अप्लाई कर दिए, CTM मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। लेंसेज मैंने मेसी ग्रे शेड अप्लाई किया एंड देन उसके बाद टेपिंग करी। टेपिंग से क्या होगा कि जो मैं विंग क्रिएट करती हूँ वो बहुत ही प्रॉपरली तरीके से क्रिएट हो जाएगा। मेरे पास थोड़ा सा टाइम कम था क्योंकि मेरी ब्राइड लेट थी और मुझे जल्दी से मेकअप करना था, तो मैंने आज टेपिंग करी। एंड उससे क्या होगा कि विंग में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, प्रॉपर विंग क्रिएट हो जाएगा। मैंने CTM ऑलरेडी कर दिया था। टेपिंग करने के बाद मैंने वॉर्म्स क्रिएट करने के लिए जैकलिन हिल यूज़ करी। जैकलिन हिल से मैंने सेम शेडो लिया येलो टोन में एंड ऑल ओवर द लिड उसको अप्लाई कर दिया, जिससे कि जो वॉर्म्थ है वो क्रिएट हो जाए, थोड़ी वाइटनेस कम हो जाए। जो हम कंसीलर अप्लाई करते हैं उससे थोड़ा सा वाइट टच में लगता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वॉर्म शेडो अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया। अच्छे से ब्लेंड आउट करने के बाद मैंने डार्क ब्राउन शेडो लिया एंड उसको आउटर कॉर्नर पे विंग शेप में अप्लाई किया। एक तो विंग शेप में इसलिए अप्लाई किया कि आईज़ थोड़ी सी लिफ्टेड लगे, प्लस मेरी ब्राइड की जो डिमांड थी वो ये थी कि उनको आई लिफ्टेड चाहिए थी, प्लस उनको जो विंग चाहिए था वो प्रोमिनेंट नहीं चाहिए था, उनको स्मर्ज इफेक्ट में चाहिए था। तो मैंने आज टाइम ना वेस्ट करके टेपिंग करी एंड टेपिंग से मेरे को बहुत बड़ी हेल्प मिल गई कि एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल गई कि मुझे किस डायरेक्शन में शेडो को अप्लाई करना है। बट बी केयरफुल, जब आप लोग टेपिंग करते हो तो वो ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर नीचे होगी तो जब आप उसको हटाओगे तो जो आपका आई शेडो आएगा वो भी ऊपर नीचे आएगा। तो मैंने आउटर कॉर्नर पे डार्क ब्राउन शेडो अप्लाई कर दिया, उसको अच्छे से ब्लेंड आउट किया, देन उसको क्रीज के साथ मर्ज किया। ब्लेंडिंग करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप आई शेडो को ब्लेंड नहीं करोगे, क्रीज के साथ मर्ज नहीं करोगे, तो बहुत ही इनकम्प्लीटेड लुक लगेगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ। देन मैंने यहाँ पे शिमर शेडो अप्लाई किया। पहले मैंने गोल्डन शिमर शेडो अप्लाई किया, देन उसके ऊपर हल्का सा रेडिश टच देने के लिए मैंने मरूनिश शिमर शेडो अप्लाई किया। उन शिमर शेडो मैंने इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मेरी ब्राइड की जो डिमांड थी वो ये थी कि उनका जो लहंगा था वो थोड़ा सा रेडिश और मरून टच में था, तो उन्हें अपनी आईलेट्स पे भी मरून रेड में कुछ चाहिए था। मैं पूरा प्रॉपर आई शेडो तो नहीं दे सकती थी क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे उनको हल्का सा शिमर शेडो और एक शेडो क्रिएट कर दी रेड की, जिससे कि उनको भी अच्छा लगा और वो ऑड भी नहीं लग रहा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैंने यहाँ पे विंग क्रिएट करने के लिए टू फेस्ड का स्केच लाइनर यूज़ किया एंड देख रहे हो आप मैं कितना बेकार तरीके से लगा रही हूँ, बट मैंने टेपिंग करी हुई थी तो मुझे पता था कि वो प्रॉपर विंग आएगा। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हो रिज़ल्ट, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी सेम उसी डायरेक्शन में, लेड्स की डायरेक्शन में, एंड उसको एक्सटेंड किया आउटर कॉर्नर से। एंड मुझे पता था मैंने टेप लगा रखी है तो बिल्कुल परफेक्ट ही होने वाला है, तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा अपने माइंड में क्लियर थी। जैसे मैंने टेप हटाई तो वो एक प्रॉपर विंग क्रिएट हो गया। देन उसको स्मर्ज इफेक्ट के लिए मैंने ब्लैक शेडो से मर्ज किया, फिर वही कि मेरी ब्राइड की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि उन्हें प्रोमिनेंट विंग नहीं चाहिए था, मैंने ब्लैक शेडो लिया एंड उसको स्मर्ज आउट किया आउटर कॉर्नर से। बहुत ही प्यारी लेड्स लग रही थी। आप लोग भी अपनी ब्राइड पे ट्राई कर सकते हो, जिन लोगों को रेड कलर मरून कलर होता है कि नहीं हमें चाहिए, तो उनको आप ऐसा कुछ लुक दे सकते हो। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो फटाफट कर लो, वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी मैं डालती रहती हूँ, बहुत सारे हैक्स, बहुत सारे टिप्स, तो फटाफट फॉलो करो। एंड यहाँ पे मैं टाइट लाइनिंग कर रही हूँ। टाइट लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे शिम्बॉल का काजल यूज़ किया। देन मैंने ऑलमोस्ट मैं अपनी आईज़ के साथ डन हो चुकी हूँ, लास्ट में अप्लाई करती हूँ। यहाँ पे मैंने एल्फ का पुट्टी प्राइमर यूज़ किया क्योंकि मेरी ब्राइड के फेस पे थोड़े बहुत ओपन पोर्स थे, ऑल दो ड्राई स्किन थी बट स्टिल थोड़े थोड़े ओपन पोर्स थे, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रेटिंग पुट्टी प्राइमर यूज़ किया क्योंकि उससे फेस को हाइड्रेशन में मिलेगी एंड पोर्स भी मिनिमाइज होंगे। आज फिर से अंडर पेंटिंग टेक्निक यूज़ करी क्योंकि
मेरी ब्राइड का जो फेस था वो थोड़ा सा चबी था एंड मुझे थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड उसको बनाना था। ऑल दो शी इज़ वेरी क्यूट एंड बहुत ही टॉकेटिव थी, वो आप लोग देख ही रहे हो। मेरी ब्राइड मतलब बहुत ही ज़्यादा खुल गई थी मुझसे। तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है कि आप कभी मेकअप करो तो अपने क्लाइंट को इतना ओपन अप कर दो कि वो बताने में ना डरे कि उनको कैसा मेकअप चाहिए, क्या चाहिए। क्योंकि पूरा मेकअप करने के बाद बहुत दिक्कत होती है चेंज करने में, आप कुछ नहीं कर सकते। तो इतना आप कम्युनिकेटिव रहो क्लाइंट के साथ कि वो हर चीज़ आपको बता सके। देन मैंने यहाँ पे कंटूर किया सबसे पहले एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया ऑल ओवर द फेस। मेरी ब्राइड के फेस पे ऑल्दो कोई पिगमेंटेशन नहीं थी, बट कंटूर पहले इसलिए किया कि कंटूर से कोई भी पिगमेंटेशन, कोई भी स्कार्स होंगे तो वो भी कवर हो जाते हैं। इससे मैं मेरे को नीड नहीं थी कि मैं कंसीलिंग करूं। अंडर पेंटिंग टेक्निक बहुत ही अच्छी है, आप लोग भी कर सकते हो फॉलो। मेरे को यहाँ पे कंसीलिंग की नीड नहीं पड़ी क्योंकि जो भी स्कार्स थे चीक बोन की तरफ और जॉ लाइन की तरफ वो ऑलरेडी हाइड हो गए थे कंटूर से, क्योंकि वो भी एक तरीके का डार्क शेड ही है। देन मैंने यहाँ पे क्रीम ब्लश अप्लाई किया, उसको अच्छे से ब्लेंड किया। मैंने कंसीलिंग नहीं करी, अवॉइड करी क्योंकि फेस पे नीड ही नहीं थी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई किया एंड फाउंडेशन को थोड़ा सा फेयर टोन में रखा। एज सच मैं नहीं रखती, बट वही मेरी ब्राइड की प्रेफरेंस थी कि उनको थोड़ा सा बोल्ड लुक चाहिए था, बट ज़्यादा मैंने नहीं दिया। उनको समझाया कि वो ग्रे भी हो सकता है तो वो समझ गए। मैंने यहाँ पे फाउंडेशन छोटे छोटे पार्ट्स में अप्लाई किया एंड देन उसको इवनली ब्लेंड आउट किया, जिससे कि फाउंडेशन ड्राई भी ना हो और इवनली ब्लेंड आउट हो जाए। क्योंकि मेरी स्किन, मेरी ब्राइड की जो स्किन थी वो बहुत ड्राई थी, मैंने अच्छे से प्रेप कर दिया ऑल दो, बट स्टिल मैं प्रिकॉशंस लेके चल रही थी कि फेस पे कोई भी पैच ना बने। आखिर उनका भी बहुत बड़ा दिन है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी। तो मैं हमेशा छोटे छोटे पार्ट्स में ही अप्लाई करती हूँ, देन उसको ब्लेंड करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन अच्छे से अप्लाई कर दिया। कंटूर ब्लशर पे भी अप्लाई करना है बहुत ही शीन सा, क्योंकि एक वो इफ़ेक्ट आता है कि कंटूर और ब्लशर का नेचुरल इफ़ेक्ट आता है। यहाँ पे आप हाइलाइटर भी यूज़ कर सकते थे बेस से पहले, लिक्विड हाइलाइटर। मैंने नहीं किया बट मैंने डायरेक्ट फाउंडेशन ही किया। फाउंडेशन के बाद भी देख रहे हो कि कितना चीक्स पे हल्का हल्का टेंट आ रहा है और कंटूर भी लग रही है, नोज़ भी, फोरहेड भी एंड चीक बोन भी। देन मैंने उसके बाद हाइलाइटिंग करने के लिए फेयर शेड लिया टार्ट कॉस्मेटिक्स का एंड उसको अच्छे से हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे अप्लाई करके ब्लेंड आउट किया। थोड़ा सा फेयर में जा रहा है बट डरने की कोई बात नहीं है, जब हम पाउडरिंग करेंगे, कंटूर करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज होता चला जाएगा। और बेस को सेट होने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। मैंने यहाँ पे अंडर आई सेट करने के लिए पहले अंडर आईज को ब्लेंड किया। आप फ़र्क देख रहे हो लेफ्ट आई और राइट आई में, लेफ्ट ब्लेंड करने के बाद कैसी लग रही है एंड विदाउट ब्लेंडेड। अगर आप विदाउट ब्लेंडिंग को, ब्लेंडेड आईज को ही सेट कर दोगे तो वो जो लाइंस दिख रही है वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो बी केयरफुल जब कभी भी आप अंडर आई सेट करते हो तो आपको अच्छे से पहले उसको ब्लेंड करना है देन उसको सेट करना है। वही टेक्निक मैं अपनी फॉलो करती हूँ कि पहले मैं कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ देन मैं लूज़ पाउडर से करती हूँ। मैं एक्सेस लूज़ पाउडर नहीं अप्लाई करती क्योंकि कई बार क्या होता है फ्लैशबैक करता है फ़ोटोज़ में वाइट वाइट, तो मैं पहले कॉम्पैक्ट से सेट करती हूँ। उससे एक्स्ट्रा कवरेज भी मिल जाती है फाउंडेशन को और डबल सेट हो जाता है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती अंडर आईज़ में, क्रीजिंग में। जो चीज़ है वो तो रहेगी, उसको आप हटा नहीं सकते, बट आप हाइड ज़रूर कर सकते हो अपनी अच्छे से प्रॉपर टेक्निक फॉलो करके। तो मैंने यहाँ पे ब्लेंड किया, उसको कॉम्पैक्ट से सेट किया देन उसको लूज़ पाउडर से सेट किया। स्माइल लाइंस बहुत ही ज़्यादा एक्सेस थी, मेरी ब्राइड जो थी वो बोल रही थी बहुत, तो मैंने बोला आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ प्लीज़, बट कह रही नहीं प्लीज़ मत बोलो, प्लीज़ मैं बोर हो जाऊँगी। मैंने कहा थोड़ी देर के लिए हो जाओ, जब तक आप कर रहे हो तो आप लोग देख ही रहे हो कैसे हम लोग बात कर रहे हैं और मेकअप कर रहे हैं। मैं मेकअप कर रही हूँ अपनी ब्राइड का, बहुत ही खुश थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से शांत किया। तो इसमें भी वो फेसेस बना रही थी तो मैंने किया, तो देन मैंने उसकी स्माइल लाइंस भी सेट करी। अभी आप देख रहे हो कि स्माइल लाइंस भी ऑलमोस्ट सेट हो गई है, बट
ब्राइड की बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, तो वो जब वो उन्होंने बोला तो आ गई, बट वो ओके थी अपनी स्माइल लाइन से क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं हट सकती। तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि अगर आपकी क्लाइंट को पता है कि हाँ उनकी स्माइल लाइन्स है और उन्हें पहले से ही नॉलेज है, तो उस चीज़ पे आज सच कोई इशू नहीं होता। देन मैंने कंटोर किया, अच्छे से कंटोर करना है आपको, क्योंकि फुलर चीक्स थे तो उसको थोड़ा कट करने के लिए मैंने अच्छे से कंटोर किया। वो ऑल दो नहीं पता चल रहा था, बट मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती थी उन्हें कंटोर, वो अलग से दिखता। मैंने कंटोर करने के बाद आईब्राउज करी, आईब्राउज मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट में क्रीम पोमेड टाइप ही एक शेड था उसी से करी, क्योंकि उससे बहुत नेचुरल आईब्राउज होती है। आगे से हमेशा मैं नेचुरल रखती हूँ एंड पीछे से मैं उसको फिल कर देती हूँ, जिससे कि वो एक नेचुरल सा इफ़ेक्ट आता है। मैं प्रॉपरली उसको नहीं फिल करती क्योंकि वो देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तो मैं हमेशा नेचुरल सी ही आईब्राउज रखती हूँ। आईब्राउज डन, अब मैं आईब्राउज अच्छे से फिल कर दी है, जितने भी वेकेंट स्पेस थे मैंने उनको फिल कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिप बाम अप्लाई कर रही हूँ, TNW की आप कोई भी कर सकते हो, क्योंकि ब्राइड के जो लिप्स थे वो थोड़े से ड्राई हो रहे थे, तो मैंने लिप बाम अप्लाई कर दी उसको अच्छे से नरिश। उसको लिप बाम आप स्किन केयर करते वक्त भी कर सकते हो अप्लाई, मैंने तब भी किया था थोड़ा सा, बट जब बेस पाउडरिंग करते हो तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आप बाद में भी कर सकते हो। मैंने लिप बाम अप्लाई कर दी उसको, देन उसके बाद मैंने लिप लाइनिंग करी। लिप लाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पे के ब्यूटी का लिप लाइनर यूज़ किया, अच्छे से लिप लाइनिंग करी। मेरी ब्राइड के जो लिप्स थे अपर लिप, यूजुअली मतलब ब्राइड का जो अपर लिप था वो थोड़ा सा छोटा था एज़ कम्पेयर टू लोअर लिप, तो मैंने ओवर लिप लाइनिंग करी, तो ब्राइड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आप पूछ सकते हो क्योंकि यूजुअली हर कोई ओवर लिप लाइनिंग नहीं करवाता या ओवर लिप लाइन लिपस्टिक अप्लाई नहीं करवाता, तो ये चीज़ आप पूछ के ही करना। मैंने अपनी ब्राइड से पूछ लिया था तभी मैंने ओवर लिप लाइनिंग करी, देन मैंने उसके बाद अपना फेवरेट शेड अप्लाई किया, मिलानी कॉस्मेटिक्स का एडोरेबल शेड, एंड ये शेड हर किसी पे जाता है। और देन मैंने लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद बिंदी अप्लाई कर दी, बहुत ही क्यूट सा एक ब्राइडल लुक आ गया है। अब मैं यहाँ पे वाटर लाइन पे काजल अप्लाई कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम शिमबोर, वाटरप्रूफ काजल है, आप वाटरप्रूफ काजल भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो काजल अप्लाई करने के बाद उसको पाउडर शेडो से ब्लेंड आउट कर दो, जिससे कि वो फैले ना और स्मर्ज आउट हो जाए अच्छे से। तो मैंने इनर वाटर लाइन इनर कॉर्नर में अच्छे से अप्लाई कर दिया, आउटर कॉर्नर में भी, ज़्यादा बाहर की तरफ उसको ब्लेंड आउट नहीं किया, एक क्लीन सा आई लुक मेरे को क्रिएट करना था। देन मैंने उसके बाद मस्कारा अप्लाई किया, मस्कारा मैंने हुडा ब्यूटी का यूज़ किया है यहाँ पे, आप कोई भी कर सकते हो जो आपके पास है, ऐसा कुछ नहीं है कि यही करना है। तो अच्छे से मस्कारा अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे सेटिंग स्प्रे यूज़ किया, सेटिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद ही मैं यूजुअली हाइलाइटर अप्लाई करती हूँ, हाइलाइटर मैं अप्लाई नहीं करती, क्योंकि जब आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करते हो या फिक्सर यूज़ करते हो तो आपकी स्किन जो होती है वो हाइड्रेट हो जाती है, और उसके बाद जो हाइलाइटर का इफ़ेक्ट आता है वो और भी अच्छा आता है। तो मैंने यहाँ पे फिक्सर यूज़ किया, सेटिंग स्प्रे नहीं, मैंने यहाँ पे मेकअप फिक्सर यूज़ किया है, जिससे कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बने, अच्छे से फिक्स हो जाए। देन उसके बाद मैंने हाइलाइटर अप्लाई किया हाइलाइटिंग पॉइंट्स पे, चीक बोन पे, आईब्राउ बोन पे, चिन पे, नोज़ पे, आप अच्छे से अप्लाई करो। अवॉइड करना जहाँ जहाँ हेयर्स हैं, फेशियल हेयर्स होते हैं, वहाँ वहाँ हाइलाइटर आपको अप्लाई अवॉइड करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप कर दो, क्योंकि हाइलाइटर का बेसिक काम यही होता है कि आप कभी भी अप्लाई करते हो तो वो उस चीज़ को पॉप करता है, तो अगर कहीं भी कोई भी ब्लेमिशेस हैं या कुछ है तो वहाँ पे हाइलाइटर अवॉइड करना है आपको। देन मैं आज के लुक के साथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होती हूँ, तो ये था मेरा आज का लुक, होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। जो मेरे को फॉलो करते हैं उन्होंने तो मुझे स्पेशली मैसेज किया कि आप इस चीज़ का ट्यूटोरियल डालोगे ना, तो मैंने कहा हाँ मैं डालूंगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे पहले ही इसकी ट्रांजिशन रील अपलोड कर चुकी थी।
तो आप लोगों को अगर ये लुक अच्छा लगा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। और कोई भी इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।